आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए एक महामंत्र दिया, सबका साथ सबका साथ सबका साथ। जिन लोगों ने बिहारी को गाली बनाया है वो इससे वंशवादी भ्रष्टाचारी को बिहार से हटा देना है, मिटा देना है। जिसने जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहा है, देश को मार्गदर्शन दिखाने वाला भगवान बुद्ध और महावीर का गुरु गोविंद सिंह का धरती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज बीजेपी कार्यालय से मंच से अपने आप को संबोधित करते हुए उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार से भ्रष्टाचारियों को भगाना है, बिहार को भ्रष्टाचारियों से मुक्त बनाना है। बाकी इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। हम हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं अपने परिवार में। भारतीय जनता पार्टी ये व्यक्ति का पार्टी नहीं है, ये किसी परिवार का पार्टी नहीं है, न किसी जाति का पार्टी है, ये सामूहिक नेतृत्व का पार्टी है। और मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का, सबका उत्थान और कल्याण का संकल्प लेने वाला पार्टी है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए एक महामंत्र दिया, सबका साथ सबका साथ सबका साथ। जिसके मन में ये भाव आएगा वही भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा। सबको अपना भाई अपना बंधु मान करके हर बिहारी को मान सम्मान और स्वाभिमान से आगे बढ़ने का एक संकल्प लेना है। जिस बिहार को गाली बना दिया, जिन लोगों ने बिहारी को गाली बनाया है वो इससे वंशवादी भ्रष्टाचारी को बिहार से हटा देना है, मिटा देना है, ये संकल्प मन के अंदर लेना है। आज जिन माता बहनों के मांग के सिंदूर और कोप को जिसने उजाड़ा है, जिसने जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहा है, जिसने हमारे प्रतिभा को हनन करने का नियुक्ति के नाम पर घोटाला का खेल खेला है, ऐसे वंशवादियों से बिहार को मुक्ति दिलाने का संकल्प लेना है, बिहार को बदलना है। हमारा ज्ञान विज्ञान की ये भूमि है। आज देश का नेतृत्व करने वाला, देश को मार्गदर्शन दिखाने वाला भगवान बुद्ध और महावीर का गुरु गोविंद सिंह का धरती है। और सबसे बड़ा धरती ये शक्ति की भूमि है, मां जानकी इसी धरती पर जन्म ली है। अगर जो अयोध्या में भगवान राम जन्म लिए, राम लला विराजने जा रहे हैं, तो बिहार की धरती मां जानकी की धरती पर भी राम आएंगे और राम राज की कल्पना को साकार करना है। हमको आपको मिलकर के संकल्प लेकर के एक वातावरण बनाना है, क्योंकि ये धरती पर त्रिकोण है, भक्ति की भूमि पटन देवी है, शक्ति की भूमि सीतामढ़ी है और मुक्ति का भूमि गया है मंगला गौरी। इस त्रिकोण को जगा देंगे, हर बिहारी का मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का और सम्मान पाने का एक नया वातावरण बनेगा और बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। बिहार को विकसित करने के लिए सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, बिहार को विकसित करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। अपराधी और भ्रष्टाचारी से बिहार को मुक्त करना है, इसी संकल्प को साकार करते हुए आप सबों का हृदय से अपने परिवार में स्वागत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो रोटी की व्यवस्था चिंता नहीं करता, रोटी की व्यवस्था करके राजनीति करता है, और ये पार्टी सबकी चिंता करता है। आज हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व है, जिस नेतृत्व को एक पूरी ताकत के साथ फिर केंद्र में बैठाना है और बिहार में अपनी सरकार बनानी है, एक नया माहौल खड़ा करना है।
तो जैसा कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का साफ तौर पर कहना है कि जनता के हित के लिए काम करना है, जनता के समस्याओं को सुनना है और उसे पूरी तरीके से उस समस्या का निवारण करना है। बाकी उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी रोटी के लिए चिंता नहीं करती है बल्कि रोटी की व्यवस्था कर राजनीति में आती है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।